इस वीडियो में खूब सारे और बहुत सारे भोजन होंगे। यह पूरे 100 पर्वतों की चुनौती होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है। और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है, बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं। और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वह बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए। और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वह इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है। और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड? कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। गॉश। कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है, बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके।
ब्रिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है, इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वह सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स, आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हम इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है, हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सकर्स! क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं, जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपको आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। गॉश! शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर, लगना भी चाहिए। गॉश! हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं, और किसी को यह बहुत सारा मिला है, और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है।
लूसी वास्तव में बहुत रो रही है या प्याज की गलती है, यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्कारा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सबके लिए तैयार नहीं था और वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। और फिर उसने कहा, दोस्तों शायद हमें शुरू करना चाहिए। मुझे एक हाथ से खाना होगा। अरे मुझे तो हाथ के बिना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे दोनों हाथ मिले हैं। ओह, पहले दौर में ही हमें एक तरबूज मिला है। मुझे लगता है यह स्वादिष्ट होने वाला है। ठीक है, पर रुको, तरबूज को एक हाथ से कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह हुई ना शक्ति। हाँ, अब बस मुझे यह खाना होगा। इसमें काफी समय लगेगा, पर जो भी हो, हाँ समय तो लगेगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यह लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कांटा है। ओह धन्यवाद। सच में यह ज्यादा आरामदायक भी है और जल्दी भी हो रहा है। हाँ तुम खाओ, अब मेरी बारी है। तुम दोनों तो चौंक जाओगे, पर मैं यह कर रही हूँ। तो यह कैसा था दोस्तों? मैं तो डरी गई थी। मैं भी। यह कितना ताजा तरबूज है और मीठा भी है। एकदम सही कहा। अब मेरी बारी है, मैं अपने तरबूज को कैसे खाऊंगी? अरे हाँ लड़कियों, बस एक सेकंड। वो कहाँ गई? मुझे लगता है इस तरबूज तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अरे नीचे सुनो, इसे पकड़ो। यह क्या? यह कोई बम है। अब हम यह खा सकते हैं। जैसा तुमने कहा था, बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी वजह से हम सब गंदे हो गए हैं। क्या कुछ नए और स्वादिष्ट चीज के लिए तैयार हो? मुझे फिर से एक हाथ मिला। ये मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम लोग कितने खुश हो, मेरे पास तो एक भी हाथ नहीं है। ओह, इस बार हम बर्गर खाने वाले हैं। हाँ अच्छा है, अगर दिक्कत ना हो तो मैं शुरू कर सकती हूँ। मुझे भी खाना है। तुम बाद में खाना, मैं पहले जा रही हूँ। नम नम नम, कितना स्वादिष्ट बर्गर है। बर्गर खाने का बढ़िया तरीका है। इतना अच्छा लग रहा है। मुझे पता है, मुझे भी ये आइडिया पसंद आया। चलो अब मेरी बारी है। मैं सब्जियाँ नहीं खाती हूँ तो मैं यह सब हटा रही हूँ। ये बस मेरे खाने को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तो और खा सकती हूँ, मुझे ये बची खुची नहीं चाहिए। दोस्तों माफ करना, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा अब खाने का समय है। देखो कितना अच्छा है, सब्जियाँ नहीं गिरेंगे तो बर्गर एकदम ठीक रहता है। कितना आसान। हाँ सही में। वाह देखो कितनी तेज है। एमी अब तुम्हारी बारी है। हाँ पता है। नहीं अभी समय नहीं हुआ है। अरे वो मुझे वापस दो। ले लो। ओ, तुम हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। मुझे भूख लगी है, उसे वापस दो। लिली मेरी मदद करो ना, फिर हम बांट कर खा सकते हैं। ठीक है, वो बर्गर मुझे दे दो। धन्यवाद, अब खा सकते हैं। और मैं भी थोड़ा लूंगी। अरे एमी ध्यान से। अब मजा आया? चोट लग गई। ये मेरे पास दोनों हाथ है और मेरे पास एक भी नहीं। और मेरे पास एक, बुरा नहीं है। ओह यहाँ तो एक पूरा लंच है और मुझे बहुत भूख लगी है। यह तुम कैसे खा रही हो? हाँ क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या फर्क पड़ता है, मुझे भूख लगी है और सिर्फ यही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है तुम खाओ जानवर की तरह, मैं एक साधारण इंसान की तरह खाऊंगी। ऐसे खाने में आराम भी होता है और ये दिखता भी अच्छा है और ये स्वादिष्ट भी है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, इसमें बहुत समय लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं यह सब खा लूंगी। यह किसी तरह का नूडल बॉल है और यह सिर्फ मेरा है। और जानवर तुम मुझे बुला रही थी? वाह मेरा तो पेट पूरा भर गया। एमी अब तुम्हारी बारी है। हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है। यह कितना बेकार तरीका है, मैं नहीं खा रही। मेरे पास कुछ दिलचस्प है। देखो कितने लंबे नूडल्स हैं। मैं इनके साथ क्या करूं? हाँ आइडिया। अरे सुनो माली, मेरी मदद करो। मैंने कभी पहले नूडल्स नहीं काटे हैं। तैयार हो? बहुत बढ़िया। देखो खत्म हो गए। अरे वाह बहुत अच्छा। क्या हम मस्ती जारी रखें दोस्तों? मुझे फिर से दो हाथ मिले हैं।
और मेरे पास एक भी नहीं या सही नहीं है। और मुझे एक कैक्टस, ये कितना बुरा है, छी, कितना गंदा। मुझे तो सोचना तक नहीं है कि मैं ये कैसे खाऊंगी। What? इसके कांटे कितने लंबे हैं, लंबे और नुकीले भी। ओह, अरे नहीं, ध्यान से यार, मेरी उंगली। अब ये फूल गई है, बेकार कैक्टस। कोई बात नहीं, अब मेरे पास एक आइडिया है। इसके कांटों को हम हटा सकते हैं। अब इस कैक्टस को मैं खा सकती हूँ। तब भी कुछ अच्छा नहीं है। एमी, अब तुम चलो। लेकिन मुझे नहीं चलना, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस छींकना होगा। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, लगता तो है। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आचू, ओ सारे कांटे गिर गए। ओ, और मेरा हेयर टाई भी। चलो अब वो खाओ, खाओ, हाँ खाओ, मुँह में डालना होगा। हाँ और क्या एमी, नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। अरे किस बात का डर, देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या करना है। और अब समय आ गया है लेली को अपनी बंदूक चलाने का। ओ ओ, मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। कितने डरपोक है। ओह, अभी भी और कैक्टस है। मुझे हाथों के बिना खाना होगा। और मुझे दोनों के साथ। ओके। और मुझे एक हाथ मिला है, मैं इसके साथ ठीक हूँ। ओह, यह कोका कोला है, मेरा फेवरेट। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, यह मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, कोला तो सबको पसंद होता है। मैं शुरू करती हूँ। चलो ढक्कन हटाते हैं। अरे मुझे क्यों मारा, मुझे पीने का बहुत मन है। इतना धीरे हो रहा है। ओ, जल्दी कैसे कर सकते हैं। अरे हाँ, सीधे अपने मुंह में डालते जाओ। अजीब तरीका है। हाँ, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम लोग बस बहुत बोरिंग हो, मानना होगा। काफी अच्छा चल रहा है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पी पाती। मैंने यह कर लिया, तालियों की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब मेरी बारी है। आओ, मुझे सच में और सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। देखो वो उड़ रहा है। हाँ सच में वो उड़ रहा है, मैंने तो एक रॉकेट बना दिया। ये सीधा उड़कर हमारी ओर आ रहा है। मैं पकड़ लूंगी, मुझे लगता है ये बहुत गर्म है। हाँ सच में ये उबल रहा है। शार्लेट, अब पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ यह आसान होगा, अब मुझे बस कोला तक पहुँचना होगा। या शायद ऐसा नहीं हो पाए, मैं क्या करूं? मुझे पता है, यह मेरी मदद करेगा। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, यह बहुत बुरा होने वाला है। सब तैयार है, चलो। मैंने तुम दोनों को कहा था ना, मैं यह पी लूंगी। ठीक है, कम से कम हमारे ऊपर नहीं गिराया। हाँ कितना अच्छा, मेरे पास दो हाथ है। उफ, मेरे पास कुछ नहीं। बुरा नहीं है, मेरे पास एक है। हम तो किस्मत वाले निकले, हमारे पास बबल गम है। अरे वाह, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ। मैं इसे एक हाथ के साथ खा सकती हूँ। बहुत बढ़िया, इतना समय क्यों लग रहा है, चलो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे तो लग रहा था कि तुम उतना गम नहीं खा पाओगी, पर मैं गलत थी। अब मेरी बारी है। इसे क्या हुआ, मैं तो इसे खोल ही नहीं पा रही। मेरी मदद करो। अरे कहाँ गया, बुरा हुआ यार। हाँ उसने तो मुंह तक में नहीं डाला था। हाँ मैंने तो उसका स्वाद तक नहीं चखा। ओ शार्लेट, क्या तुम मुझे थोड़ा गम दे सकती हो। मैं नहीं, मुझे यह खाना है। देखो मैं इस गम को कैसे खोल रही हूँ। यह कितना लंबा है और जरूर बहुत स्वादिष्ट भी होगा। यही तुम्हारा मौका है, लो। अरे हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। आखिरकार इसका अंत मिल गया। अरे मेरा गम कहाँ गया। ओ, मैंने गलती से पूरा खा लिया। तुम कितनी गंदी हो। अब क्या कर सकते हैं? मैं फिर से किस्मत वाली निकली, मेरे पास दोनों हाथ है। किस्मत ने मेरा भी साथ दिया, मेरे पास है एक। और मेरे पास एक भी हाथ नहीं। अरे वाह, इस बार हमें केक मिला है। देखो कितना बड़ा है और स्वादिष्ट भी। कितनी अच्छी बात है कि मैं इस केक को एक कांटे के साथ खा सकती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। ओ, यह बीच में क्या है। वाह, यह तो एक स्कीटल्स का रिबन है। अब मेरे पास एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट स्कार्फ है। मैं केक के साथ साथ ये सारे कैंडी भी खा जाऊंगी।
ओह, फिर इसका मतलब है कि मेरे केक के बीच में भी एक उपहार होगा। कितनी तेजी से खाया, उसके अंदर क्या था? ओह, एक आईफोन। यह तो एक काफी महंगा उपहार है। हम साथ में कुछ सेल्फी ले सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे वो मुझे वापस दो, वो फोन मेरा है। या पकड़ो वरना कोई वो चुरा लेगा। मैं अपना केक खाने वाली हूँ। शायद बीच में मेरे लिए भी कोई सरप्राइज हो। या क्या हो रहा है, मेरा उपहार कहाँ है? छी, बेहतर होता कि कुछ ना मिलता। किसी को हाथों के बिना खाते हुए देखना बहुत मजेदार होता है। हमारे गैंग ने आज खुद को अपने ट्रीट्स के साथ कुछ ऐसी ही स्थितियों में पाया। हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए क्राफ्ट टूल्स चैलेंज से जुड़े रहे दोस्तों।